और अब बात उत्तराखंड में आए कुदरत के कहर की। उत्तराखंड के रामनगर इलाके में भारी बारिश के बाद उफान पर आए नाले के पानी में बाइक सवार दो युवक बह गए। महज 12 सेकंड का ये वक्त रहा और इन 12 सेकंड में सैलाब इन्हें बहा ले गया। काफी देर तक युवक पानी के तेज बहाव में फंसे रहे और काफी कोशिशों के बाद इन दोनों को किसी तरह से यहाँ से सुरक्षित निकाला जा सका। आखिर पानी के तेज बहाव में बाइक समेत बहे इन दोनों युवकों का क्या हुआ? लगातार बारिश और पुल से होकर बह रहे पानी से होड़ करना इन दोनों युवकों को भारी पड़ गया। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के रामनगर इलाके की। यहाँ लगातार हो रही बारिश की वजह से धनगढ़ी नाला उफान पर था। जलस्तर काफी ज्यादा था, पानी सड़क के ऊपर से बह रहा था। पानी के बहाव को देखते हुए पुल के दोनों तरफ लोग रुके हुए थे, लेकिन तभी बाइक सवार दो युवक उफान पर आए इस नाले को पार करने के लिए अपनी बाइक से निकल गए। किनारे पर मौजूद लोगों ने पहाड़ से हरिद्वार की तरफ जा रहे इन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों युवक रुके नहीं। आधा नाला पार करते करते बाइक पानी के तेज बहाव के सामने टिक नहीं पाई और बाइक दोनों सवार युवकों के साथ बह गई। किसी तरह युवक नाले के पानी के तेज बहाव के बीच खड़े होते हैं और किनारे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ कदम चलते ही बार बार फिर इनमें एक युवक के पैर डगमगा जाते हैं और वो गिर जाता है। बीच बीच में किनारे पर खड़े लोग इन युवकों को वहीं रुके रहने के लिए कहते हैं और उन्हें बाहर निकाले जाने की कोशिश तेज होती है। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह इन दोनों युवकों को बाहर निकाला जा सका। एक नाले के समीप जब वो रोड पार कर रही थी, नाले को क्रॉस कर रही थी, तो ये बस तेज बहाव के कारण पलट गई थी। इसमें 30-35 जो लोग सवार थे, इनको हल्की फुल्की चोटें आई थी। स्थानीय लोगों द्वारा और हमारे रेस्क्यू टीम ने इनको सबको प्राथमिक उपचार के बाद हमारे जो है कंट्रोल रूम रात दिन काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, और बाढ़ नियंत्रण चौकियाँ भी हमारे द्वारा बनाई गई हैं। वहाँ पर 24 घंटे ड्यूटी लगी हुई है। जहाँ भी कोई घटना हो रही हम लोग तत्काल वहाँ पहुँच करके रेस्क्यू कार्य कर रहे हैं। इन युवकों की जान तो किसी तरह मौके पर मौजूद प्रशासन के लोगों की मदद से बचा ली गई, लेकिन बारिश और बाढ़ के दौरान तेज बहाव वाले नदी नालों के बीच ऐसा जोखिम उठाना जानलेवा साबित हो सकता है। गीतेश त्रिपाठी, रामनगर, आज तक।